नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में मॉनसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। इससे अगले 3 दिन तक एमपी झमाझम बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग ने बुधवार को भी कई जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं मंगलवार को एमपी के छतरपुर, इंदौर और रतलाम समेत कई जिलों में अच्छी बारिश हुई। मध्य प्रदेश में बारिश के अलग अलग सिस्टम एक्टिव हैं, जिससे हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने डिंडोरी, बालाघाट, झाबुआ, सिवनी, रतलाम व मंदसौर सहित एमपी के अन्य जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है, जबकि इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन समेत अन्य जिलों में गरज चमक के साथ हल्की वर्षा होगी। गुरुवार 5 सितंबर से बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का नया क्षेत्र बन रहा है, जिससे इंदौर, रतलाम और धार में बारिश की संभावना है। खासकर राजस्थान और गुजरात से लगे जिलों में भारी बारिश हो सकती है। अन्य जिलों में रुक रुक कर हल्की बारिश होगी। मंगलवार को छतरपुर के 9 गांवों में 3, इंदौर और रतलाम में 2, उज्जैन में 1, भोपाल में 8 और नर्मदापुरम में 2 मिलीमीटर बारिश हुई है। इस प्रकार एमपी में अब तक 95% बारिश हो चुकी है। 2 इंच बारिश और हो जाए तो औसत बारिश का आंकड़ा पार हो जाएगा। लगातार बारिश से प्रदेश के प्रमुख बांध फुल हो चुके हैं। कई जगह गेट खोलकर उनमें से पानी निकाला जा रहा है।